कुछ समय पहले की बात है, राधिका नाम की एक औरत अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र गौरव के साथ रायपुर नाम के गांव में रहती थी। राधिका अपने पति की मृत्यु के बाद इधर उधर मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। वह बहुत मेहनती थी और प्रतिदिन बाजार में नए काम की तलाश में निकला करती थी। राधिका जब गांव में काम ढूंढने जाती है तो वह काम की तलाश में जंगल पार करके दूसरे गांव चली जाती थी। दूसरे गांव के रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ता था और वो उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती थी। राधिका अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाती थी और वह दूसरे बच्चों की तरह अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा और बच्चों की तरह खूब मन लगाकर पढ़ाई करे और खूब आगे बढ़े, ताकि उसके घर के हालात कुछ सुधर सके और उनका जीवन भी बेहतर हो सके। इसलिए राधिका बहुत मेहनत करती थी। एक दिन जब राधिका का बेटा स्कूल से वापस आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ाने के लिए आप कितनी मेहनत करती हो। देखना, एक दिन जब मैं पढ़कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें सारे सुख दूंगा और तब तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं पढ़ लिख कर शहर जाऊंगा और वाकू पैसा कमाऊंगा। हाँ बेटा, तुम पढ़ लिख कर जल्दी से बड़े इंसान बन जाओ और खूब पैसा कमाओ। इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ताकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में किसी चीज की कोई कमी ना हो। इसलिए खूब मन लगा कर पढ़ो, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं खूब मन लगा कर पढ़ाई करूँगा। अगले दिन राधिका गांव में काम ढूंढने के लिए जाती है, परंतु उसी गांव में कोई भी काम नहीं मिलता, जिसके कारण वह दूसरे गांव निकल जाती है। तभी रास्ते में जंगल में उसे वही नीम का पेड़ मिलता है, जिसकी छांव में वह प्रतिदिन बैठा करती थी। राधिका उस पेड़ के पास खड़े होकर सोचने लगी कि यह पेड़ मुझे प्रतिदिन छाया देता है और अपने पास नीचे बैठने का सहारा देता है, परंतु इसके बदले में मैं इसे कुछ नहीं देती। फिर अगले दिन वह अपने खाने के टिफिन को खोलती है और उसमें से एक निवाला तोड़कर उस पेड़ के पास रखती है और उसके बाद उसमें पानी डाल देती है, और ऐसा वह हमेशा करने लगी। राधिका उस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन खाना खाती और उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका का बेटा गौरव शहर में नौकरी करने लगा और वहाँ पैसे भी खूब कमाने लगा। धीरे धीरे वह तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गौरव अपनी माँ को भी भूलने लगा। गौरव शहर से वापस अपने गांव आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आपकी मेहनत सफल हुई। देखो मेरी कितनी बढ़िया नौकरी लगी है। ये लो, मेरी पहले महीने की कमाई। हाँ बेटा, भगवान करे तुम ऐसे ही दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहो। चलो अब हम सबसे पहले तुम्हारी इस कमाई से भगवान का प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद दोनों मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और दर्शन करने के बाद साथ बैठ के खाना खाते हैं। अगले ही दिन गौरव अपने शहर वापस लौट जाता है और राधिका फिर उसी नीम के पेड़ के पास जाती है और उसकी सारी बात बताती है। अब तो राधिका के दिन बहुत अच्छे बीतने लगे थे, वह बहुत खुश रहने लगी थी। तभी अचानक एक दिन गौरव शहर से वापस आया और राधिका से कहने लगा, आं, मैं आपको शहर ले जाने आया हूँ। मैंने एक वहाँ पे बहुत बड़ा सा घर खरीदा है, अब हम सब लोग वहीं पे रहेंगे। नहीं गौरव, मैं शहर नहीं जाऊंगी। तभी गौरव अपनी माँ को लिए बगैर ही शहर वापस आ जाता है और धीरे धीरे गौरव का प्रमोशन होने लगता है, जिसके कारण गौरव अमीर हो जाता है। अब तो गौरव को अपने अमीर होने पर घमंड हो जाता है, जिस कारण वह अपनी माँ से बात करना भी कम कर देता है। एक दिन गौरव अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और उसे गांव लेकर पहुंचता है। तभी राधिका गौरव से कहती है, अरे गौरव, यह कौन है? माँ, यह मेरी पत्नी है, हम लोगों ने शादी कर ली है। राधिका बहुत दुखी होती है और जाकर उसी नीम के पेड़ के पास बैठ जाती है
जब भी राधिका दुखी होती है वो उसी नीम के पेड़ के पास अपना दुख बांटने के लिए पहुंच जाती है। गौरव को फोन किया और उससे कहा, बेटा अब मुझसे काम नहीं होता, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ। माँ मेरे पास अब गांव आने का बिल्कुल टाइम नहीं है और अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। इतनी बात कहकर गौरव फोन काट देता है। राधिका की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगती है, वह काम करने में असमर्थ हो जाती है और तभी गांव वाले राधिका के बेटे गौरव को फोन करके उसकी हालत के बारे में बताते हैं। तभी गौरव शहर से वापस आता है और गांव वालों की वजह से राधिका को अपने साथ शहर ले जाता है। एक दिन गौरव और उसकी पत्नी सीमा के कुछ दोस्त आए हुए होते हैं। राधिका कमरे से बाहर आती है। गौरव अपने दोस्तों से कहता है, यह हमारे घर में काम करने वाली भाई है। जब गौरव और सीमा के सारे दोस्त चले जाते हैं तो गौरव अपनी माँ के ऊपर बहुत चिल्लाता है और कहता है, जब मैंने आपसे मना किया था कि इस कमरे से बाहर मत आना तो आप बाहर कैसे आई। उसकी बात सुनकर राधिका बहुत दुखी होती है। राधिका की बहू सीमा भी उसको बहुत सुनाती है। राधिका दिन पर दिन बीमार होती चली जाती है। उसकी बहू उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं देती थी। तभी एक दिन राधिका अचानक से अपने गांव बिना बताए आ जाती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है और अपना सारा दुख दर्द उसको बताती है। अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है, अरे राधिका तुमने मेरी खूब देखभाल की है, अब मेरी बारी है तुम्हारी देखभाल करने की। मेरी ये पत्तों को उठाकर घर ले जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और राधिका पत्तों को लेकर अपने घर आ जाती है। जब राधिका उन पत्तों को देखती है तो वह पत्ते सोने के हो जाते हैं। अब राधिका जब जब उस पेड़ के पास जाती है तब तब वो उसको सोने के पत्ते देता है। ऐसा करते करते राधिका कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और राधिका अपनी देखभाल के लिए एक लड़की रख लेती है। गौरव को जैसे ही पता चलता है वो अपनी पत्नी सीमा के साथ वापस आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ चलो अब हमारे साथ शहर वापस चलो, अब हम सब साथ ही रहेंगे। मेरे मरने के बाद मैं यह सारी जायदाद गांव वालों के नाम कर दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। जिस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ शहर वापस नहीं जाना चाहती। गौरव और सीमा मायूस हो जाते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदैव अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए और उनके द्वारा किए गए परिश्रम को हमेशा याद रखना चाहिए, और जब बुढ़ापे में उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें हमेशा उनके साथ खड़े होना चाहिए और कभी भी उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भी कभी किसी के माँ बाप अवश्य बनेंगे। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल किड्स कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।